हाय गाइस। हम लोग लेकिन ये मेरी सासू माँ का है। आदू हमारा रो रहा है क्योंकि उसको पादू आ रहा था। चलो मेरा गोला दीदी गोला चलो बोला जी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अंजीस व्लॉग। मैं हूँ अंजलि खिल्टियार। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया। मेरे पति मुझे ऐसे देख रहे हैं कि अंजलि खिल्टियार बोल रहे हैं अभी तक, क्योंकि मैं अंजलि की ध्यानी हो चुकी हूँ। तो फिर अभी सुबह का टाइम है। टाइम क्या हो रहा है? 8 बजे। उठ तो हम 7 बजे गए थे लेकिन बारिश हो रही है तो फिर हम उठ ही नहीं रहे। हाँ ठीक है। और यहाँ भैया मेरे को बार बार बोला चाय बनाओ चाय बनाओ। तो गाइस हमारे घर से बारिश का सुबह का नजारा, ये हमारे ताई जी काम कर रहे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं। ताई जी काम कर रही है, बोल सासु माँ काम कर रही है, वो रानी वीडियो बना रही है। आजकल का जमाना ताई जी। सुबह का मौसम कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। ताई ने बोल सारा काम कर लिया, अब मैं उठ रही हूँ। मैं उठ रही हूँ। गाँव का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। है ना खुशू, जाने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा। लेकिन अभी हमने अभी ऊपर वाले मंदिर भी जाना, माता के मंदिर, वहाँ हमें चुन्नी चढ़ा के आनी है नहा धो के। ठंड बहुत हो रही है लेकिन फिर भी हम नहाएंगे। नीचे भी जाना। ओहो नीचे कहाँ, नीचे भी है कुछ? किसी से मिलने जाना। हाँ क्या पता किसी से मिलने भी जाना हो, लेकिन यार अल्टीमेट नज़ारा यहाँ से। रुको मैं यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखो जी हमारे पहाड़, वाओ। और ये हमारा घर और वो हमारी चाची मथी। चाची हेलो कह दे जरा वीडियो। रानी ने 3 बजे उठ गयो और कमर पीड़ इसका नाम है चिंटू। चिंटू ये ले, चिंटू ले। अरे अब नहीं सुन रहा, अभी तो पूंछ हिला रहा था। बाय चिंटू बाय। पानी पी रहा हो? नहीं पकोड़े खा रहा है चिंटू, पकोड़े खा रहा है। यहाँ पे गीले पकोड़े उसको पसंद होंगे। बताओ ठीक है, धूप आएगी तो बाहर डाल दूंगी मैं। ठीक है अभी तो बारिश आ रही है फिलहाल, ठीक है। ठीक है जो मैं आज नहीं आई तो मैं रख लूंगी, फिर तू एक बिस्तर में रख दूंगी चारपाई में। ठीक है ठीक है। और अपनी तैयारी करो, अपने कपड़े सामान समेटो, बुआ तो समाओ जाओ। ठीक है ले जाओ जी, बारिश हो रही है बाबू। ठीक है चलो जी, ताई ने काम बोला है उसको फटाफट करते हैं। और अभी तो बारिश हो रही है, अंदर चलता है भाई, ठंडा भी हो रहा है। चलो चलो भागो। गाइस ये हमारा रूम है फिलहाल के लिए, और यहाँ पे ना एक चारपाई थी, ये वाली है। ये ना रात को टूट गई थी, सॉरी रात को नहीं, ये ना पहले से टूटी हुई थी और बार 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 खच 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 कर दी जा रही थी। तो बाद में देखा तो नीचे से उसका एक डंडा टूटा हुआ है, और हमने रिस्क नहीं लिया, फिर हमने नीचे ही अपना बिस्तर बिछाया और आज हम नीचे ही सोए थे। लेकिन नीचे सो के भी अच्छा लगा, कम से कम खुला खुला तो था। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इसको मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं, लेकिन ये मेरी सासू माँ का है। मतलब जब मेरी सासू माँ की शादी हुई थी तो उनके वहाँ से आया था ये। जैसे कि उनकी मतलब सभी फैमिली में बेटी के लिए कुछ ना कुछ देते ही हैं, तो मेरी सासू माँ के लिए ये आए थे और कुछ और भी आए थे। वो पता नहीं कहाँ होंगे, अभी ऊपर शायद कमरों में रखे होंगे। लेकिन ये तो मुझे बहुत सुंदर लगा, ये बहुत मतलब पुराने टाइम का, ये मैं क्या कहते हैं खुशी, इसको पता है नाम यार इनमें ना, इसमें ना मेरी सासू माँ का नाम भी लिखा है लेकिन
वो पता नहीं उस साइड है शायद, बोल रहे थे ताई जी और बोल रहे थे कि उनका नाम भी लिखा, पापा भी बोल रहे थे कि देखा तुमने मेरा मतलब अच्छा है बहुत सुंदर। लेकिन अभी इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि गांव आना बहुत कम हो पाता है और इस वजह से रखा हुआ है। लेकिन लिखा है, रुको मैं आपको दिखा, अरे लिखा है बस है ना यहाँ पे ये लिखा है, अगर आपको समझ में आए, समझ में तो आ रहा है पता नहीं आप लोगों को दिखा होगा कि नहीं, लेकिन हमें तो समझ में आ गया। और मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो बड़े हैं, इसीलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। और अभी हम फटाफट अपना बिस्तर वो करते हैं, समेटते हैं और फिर अभी हमें और भी बहुत सारे काम है तो वहाँ चलते हैं। गाइस अभी हम निकलने वाले हैं, बस तैयार वायर सब हो चुके हैं और अभी मामी और लोग भी वो करते हैं और बस मतलब कमरे में थोड़ा सिंगार है, ज़्यादा नहीं वही है ज़्यादा घर का, क्योंकि घर में ही जा रहे हैं, आगे सब नहीं था जो भी होता। अब बारिश का मौसम इतना तेज हो रहा है, बारिश की वजह से पूरा का पूरा मौसम एकदम सुंदर हो रहा है ना। आइए मेरा भाई है और अभी मामा है। हेलो हम लोग हो चुके हैं रेडी और अब हम जो आ रहे हैं ऑन करो, अरे कर दिया ओके तो अब हम जा रहे हैं रेडी शादी होके मंदिर। वो बात अलग है कि हमने ब्रश भी नहीं किया, मूवी देखा है, बस लाली लिपस्टिक लगा के हम लोग तैयार हो चुके हैं। अरे ठीक है, ऐसे और अभी ये घड़ी पहनाई और मामू को बहुत प्यार से घड़ी पहना रही है मामी। अरे यार इसको बंद, अरे यार ठीक लाइट है, छोटा सा कमरा है बहुत। सो गाइस सी यू लेटर, बाय 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 गाइस। तो गाइस मैं आपको एक कुत्ता दिखाती हूं, अगर वो नहीं लिया हमारा तो तो गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं और हमारी दीदी बच्चों को भगा रही कि चलो लेट हो गया तुम्हें चलो और यहाँ पे सब लोग रेडी होके बाहर निकल चुके हैं और आदू हमारा रो रहा है क्योंकि उसको पादू आ रहा था और वो कर नहीं पा रहा। तो गाइस हम लोग रेडी तो हो चुके हैं, ठीक है, अच्छे खासे यहाँ पे बर्तनों का झुंड लगा है, लेकिन हम निकल रहे हैं। आई हम जा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहती हूँ पापा को संभालना, अपना घर संभालना, हमें सब कुछ वही मिलेगा, आने जाने की सेवा करना, आओ बैठो बोलना, दो रोटी बना के जो चाय वाला हो चाय पिलाना, जो रोटी वाला हो रोटी खिलाना, हंसते हंसते ये नहीं मुँह फुला के, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है हाँ। बस हमें तो यही चाहिए बस। अब जब भी अब खुश रहना, तुम भी खुश और हम भी खुश, क्या चीज एक दूसरे का फोन नंबर ले लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पक्का, ठीक है हाँ जी, मिलजुल के काम करना, ठीक है ठीक है। नंदे है पोनी है सबको मिलजुल के रहना, ठीक है, हमें यही खुशी है, बाकी तो क्या गाँव में आते रहना, गाँव में तो आते रहेंगे, तेरे को अच्छा लग रहा है गाँव में? मेरे को तो मजा आ रहा है। मामी आरिश को मेरे तो गाइस ये प्यारे प्यारे हम लोग लेते हैं अलविदा, अभी हम जा रहे हैं बाद में मिलते हैं। हसमुख चाची, हसमुख चाची, हसमुख चाची बाय। अब आप व्लॉग देखना, बिल्कुल जल्दी आएंगे, ठीक है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं हाथ जोड़ने के लिए, मतलब जो हमारी मामा है वो जा रहे हैं मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए, तो फिर अभी आप देखना हम हाथ जोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई जाता है तो हाथ जोड़ के जाना होता है। ये हमारे मामा जाओ बाबा, जाओ हमें समाप्त करें। हाँ जी,
ये गाइस ब्लॉगर उठाते हुए मामी चलो ये भी ले जाओगे ये मामा को दो ना जल जाओ वो चाची से मिल लेती हूँ यहीं पर खड़े रहना हिलना मत चाची अगली बार किम्पू चुरा के ले जाऊंगी मैं ठीक है यहाँ से सब है तो है यहाँ पे है तो क्यों नहीं बोला अरे कोई बात नहीं किसी और दिन ले जाएंगे ध्यान रखो अभी लाओ मैं पकड़ती हूँ खिलाना नहीं है ये देखो हमारे हमारे मेहनती लोग बाय ठीक है बाय ताई बाय हमारे बाहुबली आगे निकल चुके हैं दोनों के दोनों दीदी बाहुबली एंड माय हस्बैंड बाहुबली चलो पापा चलो गाइस मुझे गांव में आके इतना अच्छा लग रहा ना मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी जाने का लेकिन अब अगली बार आएंगे हम सुमित भैया की शादी में और मेरे मेहनती हस्बैंड बोल रहे हैं मेरी बुआरी कुछ नहीं पकड़ेगी और अपना सामान वो सारा सामान खुद ही ले जा रहे हैं बुआरी को कष्ट नहीं दिया जा रहा ना दीदियों के द्वारा ना हस्बैंड के द्वारा ना बच्चों के द्वारा क्या हो गया थक गए तो मेरा गोला दीदी गोला चलो ओहो अब गांव में ना चलने की आदत नहीं रही ना नहीं क्योंकि हम लोग शहरों में चले गए तो गांव में चलने की इतनी आदत नहीं है अब थोड़ी सी पहाड़ी चलने तो थकान लग ही जाती है वैसे भी 10-11 साल बाद आ रहे हैं इतने टाइम बाद दीदी आओ हाथ पकड़ो मेरा चलो बड़े चलो गढ़वाले हो बड़े चलो सुना हमने ये गाना हम लोग जा रहे हैं अभी हमें ऊपर वाले मंदिर में भी जाना है तो हम लोग गाड़ी में फटाफट जा रहे हैं और जीजा जी और बड़ी दीदी और पैदल आएंगे और बच्चे पैदल आएंगे है ना चलो जीजा जी लेके जा रहे हैं सबको ऊपर से ऊपर वाले रास्ते से कच्चे रास्ते से सबकी सांस फुलाएंगे तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पहले मंदिर के सामने और कहाँ है मंदिर ये यहाँ से मंदिर पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको अभी हम वहीं जाएंगे और यहाँ से नजारा दिखाती हूँ पहले तो यहाँ से क्या नजारा पूरा नीचे तक वो देखो डॉगी भी आ रहा है इसमें चढ़ो कहाँ है डॉगी इसमें चढ़ो तो यहाँ से पूरा का पूरा क्या नजारा दिख रहा है और बच्चे नीचे आ रहे हैं अभी भी दीदी और बच्चे पर यार बारिश के बाद का नज़ारा वो भी गांव में जो अभी नहीं आ पाया ना वो मतलब क्या बोलूँ उनके लिए गांव के नीचे वाला वो दूसरा गांव है वहां से लेके हाँ मंदिर से यहाँ से नीचे तक पूरा का पूरा हमारे ही गांव का है ये देखो डॉगी और वो डॉगी भी आ रहा है हमारे कहते हैं कि जब डॉगी साथ में आता है तो भैरव बाबा का रूप होते हैं डॉगी तो फिर अगर डॉगी साथ साथ चल रहा होता है तो इसका मतलब आप लोग सुरक्षित है कहीं भी जाएंगे आप लोग बढ़िया करके जाएंगे अपना रास्ता एकदम मजे में माता का रक्षक वही है और माता का रक्षक भी वही होता है ठीक है और ये जो आप देख रहे हैं ना ये भैया की दुकान है सुमित भैया की और सुमित भैया से मिलाती हूँ ये जो भैया हैं ये तो भैया की भी 2 महीने बाद शादी है तो हम उसमें भी आएंगे कैसा लग रहा है गाँव में दोनों को जाने का मन कर रहा है नहीं करा ना बोला ची ये वीडियो थी तो अभी हम जाएंगे वहाँ मंदिर में वो जो वहाँ पे नीला वाला घर दिखाई दे रहा है ना टावर दिख रहा है हाँ टावर से नीचे को दिख रहा जंगल हाँ अच्छा वो जीजा जी का घर है वहाँ जीजा जी का गांव है और ये जो ये दिख रहा है ये दीदी औरों का गांव है हमारा गांव तो
ऐसे दिख रहा है, वो यहाँ से बस यहाँ से सीढ़ी लगाओ वहाँ पहुँच जाओ। हमारा दिख रहा है बेटा, घर भी दिख रहा हमारा है। कौन सा वाला आपका घर? चार महीनों, चार मकानों के बगल वाला गुलाबी से नीचे वाला है जिया जी, ब्लू 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 टाइप का जो है। ब्लू। यहाँ से दीदी और दोनों दीदियों के घर दिखाई दे रहे हैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं ऊपर मंदिर अब, और दीदी और सब पहुँच चुके हैं, बच्चे भी, एक बच्चू हमारे साथ है जो कि लट्ठी लेके चल रही है, बुढ़ापा आ गया इसको अभी से है। चलो भाई मंदिर, जय माता दी बोलते बोलते चलो। माता का ही तो है, भी है। अब मैं सीधा ऊपर चढ़ के ही आपको मंदिर का व्यू दिखाती हूँ कैसा है। तो चलो जी, तो दिख रहा